Okay. So the topic which we already practically did yesterday is WLAN configurations. In the last chapter, in the last module, we have covered the theory related to WLAN, how WLAN works. For example, how the SSID is there, how the security of the WLAN is ensured. We have seen, for example, the MAC filtering, we have seen the SSID clocking, we have seen the authorization. We have seen that it can be done through the PSK, which is the pre-shared key, or it can be, and normally it in the home and small offices, the same method is employed. While in the enterprises, we can have the WPA2 enterprise, where we have a centralized server with where a Radius application is installed, and this Radius can provide you the AAA, which means the authentication, authorization, and accounting. Moreover, we have seen that in this case, your centralized server and the access router will have a shared key between them now. But every user will have its own username and password now. So we have covered all of these details in the previous class. We have also seen yesterday how, for example, the netting is done here, for example. Probably I mean lafz istemal nahi kiya tha, lekin netting is used there kyunki aap ek IP address machine ko de rahe hote hain aur wo machine maine aapko kal kaha tha ki wo IP address aapko aapki provider de raha hota hai to wo IP aap de dete hain, wo DNS de dete hain, wo subnet de dete hain, wo gateway de dete hain aur uske through aap bahar jate hain. To agar aap is situation mein ek hi jagah pe, ये हम अगर किसी दिन लैब में बैठे हो तो एक्सपेरिमेंटेशन भी कर सकेंगे कि अगर हम किसी से फेसबुक से बात कर रहे हैं, हम यूट्यूब से कर रहे हैं, हम जीमेल से कर रहे हैं और हम अपना ईमेल चेक करें, वो ईमेल जो कि दुनिया के साथ को मिल रहा है, व्हाट इज़ माय आईपी फॉर एग्जांपल, तो हम सबका आईपी जो होगा वो सेम होगा क्योंकि सबके सब नेटिंग हो रही है. किसके ऊपर हो रही है? इस डिवाइस पे हो रही है, राउटर पे हो रही है. हमने ये भी कल देखा कि हम इस डिवाइस को मुख्तलिफ फॉर्मेट में इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर फिर भी आपको ज़रूरत हो तो आई कैन अटैच दिस एक्सेस रूटर अगेन एंड आई कैन रिपीट एवरीथिंग अगेन, नो प्रॉब्लम, क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ें आती हैं. तो हमने कहा कि इसको हम एक्सेस रूटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको एक्सेस पॉइंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको एक्सटेंडर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको कल की क्लास के बाद, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली सब कुछ देखा, हमने थ्योरी नहीं की, सिर्फ प्रैक्टिकल काम किया था कल, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी. लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो इट विल बी नाइस कि हम उसको डिस्कस कर लें. जी लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि क्योंकि आप नहीं कर रहे, तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ और हम बात करना चाहते हैं वही बातें जो हमने प्रैक्टिकली कल देखी, जस्ट स्लाइड से गो थ्रू कर लेते हैं ताकि अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन बनता हो तो वो बाहर आ जाए. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा कि सबसे पहला टॉपिक तो ये कि हाउ यू कन्फिगर ए WLAN टू सपोर्ट ए रिमोट साइट, कि आप किस तरह एक WLAN को कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है. सिंपल, आपने एक्सेस रूटर को मिसाल के तौर पे, अगर एक्सेस रूटर मेरे पास यहाँ पे कहीं आसपास पड़ा हो जो कि पड़ा है, इस एक्सेस रूटर को आपने कॉन्फ़िगर करना है बस. ये अगर आपका एक्सेस रूटर है, इसको अगर आप कॉन्फ़िगर कर दें तो डिवाइस के एंड के ऊपर, क्लाइंट के एंड के ऊपर तो बड़ी नॉर्मल सी वो होती है, क्योंकि SSID अपना खुद बताता है, SSID खुद ये ब्रॉडकास्ट करता है, तो आपको नजर आ जाता है वहां पे. जस्ट आपने जो प्री शेयर की यहाँ पे दी होती है, वही प्री की शेयर की उसको दे देते हैं, एंड देन इट बिकम्स अ WLAN, सिंपल, वेरी इजी. ठीक है, इवन हमने कल ये भी देखा कि अगर आपसे इसको क्लॉकिंग की जाए, इसकी यानी इसको छुपा दिया जाए, तो फिर भी आप उससे कनेक्शन बना सकते हैं अगर आप समहाउ ये चीज इसके SSID को, इसके जो
सिक्योरिटी का पासवर्ड, सिक्योरिटी का जो मेथड एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें, दो तीन चार चीजें आपको अगर पता हो तो यू कैन स्टिल कनेक्ट टू द नेटवर्क जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ने छुपाया हुआ है। हमने ये भी देखा कि मैक फिल्टरिंग में हम दे सकते हैं कि कौन से मैक्स को अलाउ करो या कौन से मैक्स को डिसअलाउ करो, तो लेकिन आपने वो लिस्ट देनी होगी। लेकिन हमने कहा इसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैक स्पूफिंग। तो उम्मीद करता हूं कि कल के लेक्चर से आपने अच्छा खासा सीखा होगा। तो हमने इसमें ये जितनी चार टॉपिक जो है इस पूरे मॉड्यूल में पढ़नी है। फर्स्ट में हम कन्फिगर करना चाहते हैं WLAN को, सेकंड में हम बेसिक VLAN को करना चाहते हैं, लेकिन आपको भी आपकी यूनिवर्सिटी के क्या पता है कि दो तरह से VLAN बनता है। हमने पिछले चैप्टर में एक ऑटोनोमस है जो हमने कल पढ़ा था, दैट वाज एग्जांपल ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम, व्हाइल जिसमें आपकी सारा का सारा कंट्रोल जो है आपके एक्सेस पॉइंट के ऊपर, आपके एक्सेस रूटर के ऊपर है। जबकि लेडीज एंड जेंटलमैन हम दूसरा जो फॉर्मेट है वो सेंट्रलाइज्ड है, जहां पे आपके बैकएंड के ऊपर एक कंट्रोलर लगा होता है जो कि सारी चीजों को कंट्रोल करता है। इसलिए आप एक यूजर बना लें, वो यूजर हर एक जितने भी एक्सेस यूनिटर इस WLAN के साथ यानी कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है, उन पे आपका यूजर नेम, उन पे आपके सारी चीजें जो पासवर्ड जो है वो वैलिड होगा। तो यहाँ पे हम ये नेक्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह हम दोबारा WLAN बनाना चाहते हैं, दोबारा हम WLAN को कन्फिगर करना चाहते हैं, बट नाउ वी विल बी यूजिंग इंस्टेड ऑफ द ऑटोनॉमस एक्सेस रूटर वी विल बी यूजिंग द WLCs। ओके, फिर हम ये देखना चाहते हैं कि क्या है, मैंने कल भी हमने देखा है लेकिन बदकिस्मती से कल के जो हम एक्सेस रूटर इस्तेमाल कर रहे थे उसमें WPA इंटरप्राइज नहीं था, और तो मजा आ रहा था लेकिन डिसेबल्ड था, क्योंकि लाजमी तौर पे OTP लिंक का था। मैं चेक कर लूंगा कि इस लिंक से इसके अंदर भी क्या सिनेरियो है, लेकिन जो हमारे सिस्को लैब में लगा हुआ है उसमें ये फैसिलिटी है कि आप चाहें तो बैकएंड के ऊपर एक जो आपको सिक्योरिटी का मेजर इस्तेमाल करें वो WPA2 इंटरप्राइज इस्तेमाल करें, और साथ ही आपका WLC भी हो। बेस केस में अगर आपको लाइट वेट एक्सेस पॉइंट चाहिए होंगे, आपको इस किस्म के अगर इस्तेमाल करें तो गलत नहीं है, लेकिन क्यों हम बिना एक्सपेंसिव चीजें इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका DHCP और सारी चीजें जो है आपको वहीं से मिल रही है, कंट्रोलर दे रहा है, तो फिर आप इसकी जरूरत नहीं है। एंड देन फाइनली व्हाट वी वांट टू डू इज टू ट्रबलशूट द WLAN इश्यूज। लाजमी तौर पर जैसे इथरनेट में मसाइल आते हैं, जैसे किसी भी नेटवर्क में आते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का बेसिक काम यह है के मसाइल को तलाश करें और उनको फिक्स करें। तो इसलिए हमारा टॉपिक जो है वो है लास्ट टॉपिक शुड बी डेफिनेटली ट्रबल शूटिंग द WLAN इश्यूज। फिर हम टॉपिक नंबर 1 पे आते हैं, विच इज रिमोट साइट WLAN कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आपने पहले से ही की हुई है। कल के क्लास में कौन कौन नहीं था, उस्मान नहीं था, अनिमा भी नहीं थी, और ट्राई करता हूं, अगर ये कनेक्ट हो जाए तो मैं दोनों चीजें जो चीज स्क्रीन के ऊपर जो आपको नजर आ रही है वो आपको यहां भी नजर आए, दैट विल बी मोर नाइस टू अंडरस्टैंड। तो एक मिनट जो मैं देखता हूं कि इज इट पॉसिबल। Gentlemen, तो आप
स्क्रीन पे देख सकते हैं कल की बात, लेकिन दूसरे यूजर के साथ आ रहा हूं कि अब मैंने क्या किया कि एक अगर इसमें आप देख सकते हैं, मैंने कल ये भी बताया कि इसको एक्सेस यूजर क्यों कहते हैं, मैंने ये भी कल बताया कि इसको एक्सेस पॉइंट क्यों कहते हैं, मैंने ये भी कल बताया कि इसको एक्सेस पॉइंट रूटर एक्सटेंडर चले ये भी कह लेते हैं। तो इसको एक्सेस पॉइंट उसने कहते हैं कि इसमें एंटेनास हैं और एंटेनास के जरिए ये आसपास के जितने भी वायरलेस डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरी मोबाइल है तो ये मोबाइल इसके साथ कनेक्ट हो सकती है, इसको ये चीज नजर आ सकती है। हो सकता है कि अब ऑन हो गया है तो आपको यहां पर भी ये दिखाई देना चाहिए, लेकिन हम इसको देख लेते हैं कि मिक्सिस 10322 अगर मेरी स्क्रीन पे आप देखें तो एक और एक्सेस पॉइंट आपको नजर आ गया है विच इज लिंक्सिस 01322। तो दिस इज द सेम। तो जेंटलमैन यहां पे क्या किया गया है, लेकिन याद रखिए कि ये थ्रू दिस केबल कनेक्टेड है, थ्रू दिस एसटीपी केबल कनेक्टेड है, यूटीपी केबल, सॉरी यूटीपी केबल। तो मैंने इसमें स्विच है, हाँ मैंने तीन चीजें बताई कि एक तो स्विच है, फ्लो पोर्ट स्विच है, तो इसमें आपको जो ब्लू कलर के पोर्ट नजर आ रही है, लाजमी नहीं कि ब्लू हो, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, किसी भी कलर की हो सकते हैं, लेकिन ये चार और ये एक कलर के नहीं होते, क्योंकि ये आपकी शो कर रही होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन ये शो कर रही होती है आपकी वैन लिंक, यानी इसके जरिए आप कनेक्ट होते हैं, जिसके जरिए जो पीछे से इंटरनेट आ रहा है वो मुझे यहां कनेक्ट करना होगा। बात समझ आ गई? तो इसकी वजह से ये राउटर है, इसकी वजह से ये स्विच है, और इनकी वजह से ये एक्सेस पॉइंट है। जी एनी क्वेश्चन? लगता है कि क्वेश्चन आप लोगों ने करने थे आज। जी श्योर, ये तो मैं कहता हूं, मुझसे पूछा करिए ना, तो क्योंकि आप जब मेरे सामने बैठे होते हैं तो बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस मुझे पता चल जाता है कि किसको समझ आई है और किसको नहीं आई, लेकिन क्योंकि आप लोग मेरे सामने अब नहीं है तो मुझे आपको देख के अंदाजा नहीं होता, इसलिए जब भी समझ में आए प्लीज कम अप ताकि मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। वेरी नाइस। तो अक्सर यू कैन सी हियर कि इसको मैंने कहा कि ये एक्सेस पॉइंट या एक्सेस मीटर जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीन फीचर्स हैं। एक तो ये स्विच है, क्यों ये स्विच है, इसमें ये फोर पोर्ट का स्विच लगा हुआ है, बिल्कुल जिस तरह के आप देखते हैं 24 पोर्ट स्विच, 48 बिट पोर्ट स्विच, तो इसके अंदर भी एक स्विच लगा हुआ है और इस स्विच के जरिए ही हम एक एक्सेस पॉइंट को दूसरे एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट करवा देते हैं। मिसाल के तौर पर यही काम अभी हमने ईद के बाद करना है लैब के अंदर, कि हमने एक एक्सेस पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, उससे हम तकरीबन 20 फीट दूर एक और एक्सेस पॉइंट लगाएंगे, तो या तो हम इसका मतलब पीछे केबल लेकर आएंगे, मे बी पहले ही वो 60 फीट दूर है, तो 60+20 फीट की एक बड़ी केबल डालें, ऑलरेडी डिफिकल्ट। तो द इजिएस्ट वे इज कि हम यहां से केबल लेकर एक यहां से केबल लेकर आगे चले जाए। नेक्स्ट लेडीज जेंटलमैन, तो ये तो उनका स्विच का फीचर। नंबर टू, इसमें अगर आप गौर से देखें तो एक येलो पोर्ट है, लेफ्ट या राइट जो भी आपको नजर आ रहा है, ये पोर्ट इसलिए होती है कि यहां पे आप इंटरनेट को आके टर्मिनेट करते हैं, इसका मतलब कि जब भी पीछे से कोई वायर आएगी जो इंटरनेट लेकर आ रही है उसको मैं इन चार पोर्ट्स पे नहीं टर्मिनेट करूंगा, उसको मैं इस पोर्ट के ऊपर टर्मिनेट करूंगा। तो इसकी वजह से यह राउटर का फंक्शनैलिटी इसमें आ गई, तो जो भी ट्रैफिक इसको मिलती है थ्रू दिस एंटेनास एक्सेस पॉइंट से, तो ये अगर इसकी लोकल ट्रैफिक हो तो इनको दे देगी, और अगर इसकी ट्रैफिक बाहर जानी है तो इधर फॉरवर्ड कर देगी। इसका मतलब ये पाथ सिलेक्शन करता है, दैट द रीजन इट इज एक्टिंग लाइक अ रूटर। क्या मैं एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गया? अच्छा शाबाश। तो अब हमारा पहला जो, क्योंकि कल तीन चार लोग जो मुझे भी नजर आ रहे हैं वो कल नजर नहीं आ रहे थे, तो लेडीज एंड जेंटलमैन सबसे पहला कहता है कि इस राउटर से कैसे कनेक्ट किया जाए। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं थ्रू द ब्राउजर, हम इसको कनेक्ट करते हैं थ्रू द
नॉर्मल ब्राउजर, इसीलिए हमें कोई कंसोल टेबल की जरूरत नहीं है, हमें कोई कुकी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, दैट इज वेरी गुड। अदरवाइज हम इसको भी कंफिगर करने के लिए, एक्सेलेरेटर को भी कंफिगर करने के लिए कंसोल टेबल लगानी पड़ती है, जैसे कि हम स्विचिंग और राउटर में करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं दोबारा आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया, ये ब्राउजर। सर श्योर क्यों नहीं करते, ये पूछ रहे हैं? शाबाश, the answer is कि इसमें कोई कंसोल पोर्ट नहीं है। आपने देखा कि इसके अंदर ये चार पोर्ट जो है वो तो इंटरनेट की है और एक इंटरनेट की है, तो इसमें कंसोल पोर्ट है नहीं। अगर होती तो डेफिनेटली हमें उस रास्ते पे जाना पड़ता, तो जानना तो हमें डर, क्योंकि ये तो होम डिवाइस है, और मैंने कल भी ये बताया था कि होम डिवाइसेस में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आती है, जिसके घर पे लगा हुआ है, जिसकी क्लास में लगा हुआ है, जिसके लैब में लगा हुआ है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कंफिगर करे। अब अगर ये करना होता जैसे, लेकिन आपका स्विच जो है, आपका राउटर जो है, आपका फायरवॉल जो है, उसको करने के लिए स्पेशलाइज होना चाहिए, लेकिन एक्सेस रूटर को करने के लिए कोई स्पेशलाइज वो नहीं चाहिए। इसलिए इसके लिए आसानी पैदा करने के लिए किया गया गया कि आप नॉर्मल एसटीपी केबल लें, यूटीपी केबल लें, इन चार में से किसी पोर्ट पर लगा के अपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दें, और इसकी मदद से आप ब्राउजर की मदद से फिर इसके पास फोन देने से कर दिया पहुंचे। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। तो अब इसको पहले से एक आईपी मिला हुआ है बाय डिफॉल्ट। अब आप कहेंगे कि मुझे क्या पता वो आईपी क्या है, तो इसके दो तरीके हैं, या तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पाए नहीं, नॉर्मली वो 192.168.1.1 होता है या 0.1 होता है, लेकिन ये तो मैंने आपको एक गेस बताया। बाज केसेस में हम इसको इसका ये एड्रेस तब्दील कर देते हैं, और अगर याद ना रहे, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार मैं कहता हूँ, जो भी करो नेटवर्क पीपल जो भी करते हैं डॉक्यूमेंट करते हैं फिर इसको, क्योंकि हो सकता है मैंने इसको 1.1 को 1.100 कर दिया, तो फिर मैं लगा रहूंगा तो उसके बाद कभी भी नहीं जा सकूंगा। इसका मतलब या तो फिर ये हजारों रुपए का डिवाइस जाया हो गया, या फिर मुझे आप जैसे जहीन लोग कोई रास्ता बता देंगे। क्या रास्ता बताओगे जहीन लोग? वेरी नाइस जी। तो कल हमने कहा था कि रीसेट कर देंगे, और रीसेट करने के लिए क्या रास्ता बताया था? बस ये आपको मैंने आज स्क्रीन पे बिल्कुल आपके सामने लेकर आ गया हूँ, स्क्रीन आपको नजर आ रही है, तो यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का बटन नजर आ रहा है, नीचे उसके येलो लाइट ऑन है, नजर आ रहा है? तो बच्चे ये है रीसेट बटन। तो बाद में तो ये रीसेट बटन बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, जो कि अच्छी क्वालिटी के एक्सेस रूटर्स हैं, जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होता नॉर्मली उनके लिए पहले वो अंडर की तरफ या सिक्योरिटी पर्पज के लिए इसको प्रेस करना बड़ा आसान है, इसको इसका मतलब रीसेट करना बड़ा आसान है, जबकि बाज होती है जिनके टन के वो अंडर की तरफ होते हैं, और आपका टन को अंदर इंसर्ट करके या लिटल को अंदर इंसर्ट करके उसको 5 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं। तो जीरो प्रेस करेंगे, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आपने की हुई है सारी कॉन्फ़िगरेशन खत्म, बस ये डिफॉल्ट हो जाएगा जी। छोटी होती है पेन से उसको 5 सेकंड के लिए प्रेस कर लो, जैसे आप ये पेन है ना, ये पेन आपको नजर आ रहा है, इसका जो वो है नीडल है वो काफी बारीक है, तो आराम से उसको उसके ओपनिंग में इंसर्ट होगा उसको प्रेस कर सकती है। मसला है तो क्या उसके जेब में पेन नहीं होगा या इतनी बारीक चीज नहीं होगी, ये सिक्योरिटी को सिक्योरिटी नहीं कहा जा सकता। बस ये छोटे बच्चों से बचाना हो क्या नहीं आप कह सकती है, लेकिन मैंने अगेन कहा हुआ है जिसको किसी ऊपर जगह पे या सेंट्रलाइज्ड पॉइंट पे लगाना होता है, इसको किसी टेबल के नीचे नहीं रखना होता। तो जो आप लोग अब
अब आप लोगों को पता चल गया है करना नहीं है कि आप मुस्लिम इन बात अगर बचे जब गुस्से का इजहार करना होता है चुप करके बटन को प्रेस करके चले जाते हैं। अभी उन्हें पता चलता है कि जी मेरे घर पर काम नहीं कर रहा, समझ जाते हैं हम कि जी मसला इस तक कर दिया है, लेकिन हमारे पास इसी वजह से हम बार बार उसको सीलिंग के अंदर रख देते हैं या बार बार एयर कंडीशनर के ऊपर रख देते हैं ताकि लोगों की उससे दूर रहे। Make sense? तो अब अच्छी बात यह है कि चार साल की इंजीनियरिंग करने के बाद अब आपका शौक बन गया कि चीजों को देखो, यानी कि आपका जो क्यूरियोसिटी है वो तो बनना शुरू हो गई, आपने रियल इंजीनियरिंग की तरफ अब चलना कदम पहला कदम ले लिया। भुला के आदमी जवाब मवाब नहीं दे रही, वो कहती है बड़ों को जवाब देना अच्छी बात नहीं है। ओके, तो अलीना व्हाट वी आर डूइंग द फर्स्ट टास्क, द फर्स्ट टास्क इज दैट वी वांट टू यूज, वी वांट टू एक्सेस दिस रिमाइंडर्स इन द वाया द पेज वाया द ब्राउजर। तो आई ओपन द ब्राउजर एंड आई ट्राई कौन सा हमने इस पे कोई मसला है नहीं हो रहा, तो अब हम इसको दे देते हैं 1.1 शाबाश, अब हम लोग समझ गए हैं। 1.1 देखकर देखता हूं, अब चले हमारी प्रैक्टिस कुछ और हो जाएगी। अब मैं ये करता हूं कि इसको रीसेट कर देता हूं, तो अगर मैं इसकी ये केबल साइड और साइड में कर दूं तो आपको ये ब्लू बटन नजर आ रहा है, इस ब्लू बटन को मैंने प्रेस कर दिया। जी बोले जो मिला हुआ है वो उस राउटर से मिला हुआ है क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्टेड है ना, वन नंबर उस वक्त मुझे आईपी मिला हुआ है वो मुझे इस राउटर से नहीं मिला हुआ बल्कि मुझे मिला हुआ है फ्रॉम दी फोन से, ऐसे राउटर का नेटवर्क का जो रूटर उससे मिला हुआ है। वायरलेस पे भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कनेक्टर अपना कनेक्शन ब्रेक कर दूं तो फिर मुझे उससे आईपी दिया है वो मैं देख सकता हूँ जो किस रेंज में है, और फिर मैं गेस कर सकता हूँ कि उसका पहला आईपी जो होगा शायद इसका होगा। लेकिन अगर मैं अब कनेक्शन अपना ड्रॉप करता हूँ तो मेरे आपसे कनेक्टिंग भी डाउन हो जाएगी ना, जो कि मैं नहीं चाहता। तो अभी देखिए रिपीट हो रहा है, इसलिए ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, ये लाइट ब्लिंक कर रही है। तो इसको क्यों ब्लिंक कर रही है, क्योंकि ये रीसेट हो रहा है। तो इसको रीसेट होने में एक मिनट देते हैं रीसेट होने में, और मैं थोड़ी चाय लूंगा। Okay.
तो हम और हम उसको दोबारा भी यही आई पी दे कर देखते हैं सर। जब वो लेते हैं ना डिवाइस एक तो एक्सेस पॉइंट थी ना, उसमें तीन ऑप्शन आते हैं मैंने रिसेंटली देखा था, तो एक होता है स्टैंडर्ड और एक्सेस पॉइंट और राउटर में। ठीक है, अभी हमें देखते हैं स्टैंडर्ड में देखते हैं अपना प्रश्न काफी लिखे। तो स्टैंडर्ड और एक्सेस पॉइंट में फिर क्या फर्क है सर? जी कल भी क्वेश्चन में एक्सैक्टली ये क्वेश्चन पे किया गया था कि एक्सेस पॉइंट और एक्सेस पॉइंट इज जब वो किसी को सेल्फ के ऊपर किसी को कवरेज दे रहा हो, और एक्सटेंडर जो होता है वो दूसरे की कवरेज को एनहांस कर रहा होता है, एक्सटेंड कर रहा होता है। तो एक इंसान को एक एक्सेस मीटर आपके पास है, रेट करें तो वो 20 फीट तक उसका एरिया मौजूद है, आप चाहते हैं कि 40 फीट उसका चला जाए, तो आप इसी को आईपी सारी चीजें इस्तेमाल होंगी, लेकिन जो वायरस पार्ट होगा वो दूसरे का होगा, तो इसलिए आप देखेंगे कि उसकी कवरेज को एक्सटेंड कर रहा है। सर मैंने वो डिवाइस उसमें तीन ऑप्शन थी ना, एक ये एज ए मतलब ये जो है रूटर आप बात कर रहे हैं सर वायरलेस रूटर की थी, और एक थी मतलब एक्सेस पॉइंट और फिर एक्सटेंडर की थी। समझाने में कामयाब रहा हूँ तो ठीक है। तो आपको उसका ओके जवाब देता हूँ जी, लेकिन मुझे एक मिनट दी कि मैं इन चेक करना चाहता हूँ बाकी
प्रोसेस सारा हानि होगा। आईपी जो है वाईफाई तो या तो मुझे कनेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता। इसको जो वी आई पी मिला हुआ वी आई पी कौन से मिला हुआ उसके ऊपर से मिला हुआ, और मेरा भी 645 का हुआ है। क्वेश्चन किया है अंदर कहती है कि वो उसने आईपी कंफिग करके उसने हासिल कर लिया गेटवे का एड्रेस, और गेटवे के एड्रेस से को वो भी काम करना चाह रही है लेकिन उसको तो नहीं मिल रहा। ये क्वेश्चन है अगला। आंसर इज कि जो आपको गेटवे का आईपी मिल रहा है, इस वक्त नजर आ रहा है, ये वो आईपी नहीं है जिसके जरिए आप इसके साथ मिलेगी। अदरवाइज फिर तो हर कोई इसके साथ कनेक्ट हो जाता। तो यहां जो आपको आईपी मिला है गेटवे का, ये वो आईपी है जो कि आपने जो आपने डीएचसीपी में मिसाल के तौर पर ये डीएचसीपी है जो जिसने आपको एक आईपी एड्रेस असाइन किया, तो आपका गेटवे भी उसी, आप अपना आईपी मुझे बताएं, आप अपना आईपी और गेटवे का आईपी बताएं, ये दोनों एक ही नेटवर्क का हिस्सा है। यू एंड द गेटवे आर पार्ट ऑफ, क्या है आपका गेट, क्या आपका आप गेटवे का क्या एड्रेस है भाई? और आपका जो है 140.1 आपका जो आई पी एड्रेस है वो भी है 10.110.140.1 किसका सर? आखिर में 141.158 है। किसका सर? मेरा। ओके 141.158 यस सर। और उसका भी 141 है यानी उसका 140 है सर? 140 है असल में सबमिट मार्क्स से आप सर 252 आपका। हां यस 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 तो अगर 252 है लास्ट बिट करेक्टर का 252 है तो इसमें तीन कम है, तो तीन कम का मतलब है कि इसमें 252 तो इसमें दो बिट जो है इससे पहले जीरो है और बाकी तमाम बिट जो है वो वन है। सब इन मास्क के स्लैश 20/30 आई डोंट थिंक इसके सब इन मास्क क्या है? ना बचे ना बचे ना बचे ना बचे इसका मतलब यह है कि एक जीरो इसको यहां से मिल गए और दो जीरो इसने यहां से चोरी किए, तो इसका मतलब इसके पास 10 जीरो है, 10 यूजर के लिए है, और इसका जो नेटवर्क है 24 नहीं है बल्कि 22 है। तो ये स्लैश 22 का सबनेट रखता है, स्लैश 22 का सबनेट रखता है।
तो इसकी वजह से ये 256, 512, 1024 तो 1022 यूजर्स रख सकता है। तो यूजर ज्यादा है ना, हॉस्टल में आने पर यूजर ज्यादा रखे हुए हैं, तो इस वजह से आपको जो ये एड्रेस नजर आ रही है ये मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ, लग जाए तो इट वेरी नाइस, अदरवाइज कल क्लास में कर पाऊंगा, अगर मैं दूसरे को करेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मसला तो रिजॉल्व करना है, अभी एक मिनट में करते हैं, जब ये करेक्ट होगा तो ना मैं आपके लिए मसला रिजॉल्व करूँ। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का जवाब निकल आना चाहिए। अगर हम अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो हम डिफॉल्ट आईपी तब्दील कर देते हैं, हम नहीं छोड़ते ताकि रनिंग टाइम उसको पुश करके रनिंग करना शुरू कर दे। कि सर मैंने सर ये भी चीज चलाया था पासवर्ड वगैरह किसने किया था, ये सर हमारे जो कंप्यूटर लैब है। अच्छा अच्छा तो सर वहाँ पे ऊपर था पासवर्ड और वो एडमिन एडमिन था दोनों, तो ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि सारी चीजें हम चेंज कर देते हैं अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है वो इसका ओपन नहीं छोड़ता। तो हमने लेडीज एंड जेंटलमैन दूसरा एक्शन प्रोसेस लगा दिया, बाकी वो कर दी नहीं क्या इसकी जेंटल ग्रेड 0 और 1 या 1 और 1। सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि आप नेटवर्क में जाके ये डिफाइन करते हैं कि इसका आईपी क्या होगा जिसके साथ ये मैपिंग करेगा, क्या करेगा मैप समझती है ना नेटवर्क डेटा ट्रांसलेशन। तो यहां पे हम इसको नॉर्मली स्किप्ड आईपी दे देते हैं, मिसाल के तौर पर इसको मैंने आईपी दे दिया 10.10.10.1 सबनेट मास्क दे दिया फॉर एग्जाम्पल 255.255.255.0 गेटवे दे दिया, गेटवे दे दिया जो भी वहां पर गेटवे है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें पहले से प्रोवाइडर ने दी होती है कि आपका गेटवे क्या है, आपका प्राइमरी डीएनएस क्या है, और अगर कोई सेकेंडरी डीएनएस है तो उसका भी दिया होगा, तो ये इंफॉर्मेशन जब हमें मिल जाती है फिर हम इसको कह देते हैं डिटेक्ट कर लो। डिटेक्ट करने का इस वक्त जो कुछ है नहीं क्योंकि अभी आपके लिए किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये ब्लू यानी आईपी बना नहीं है, इसलिए डिटेक्ट करके वैन पोर्ट अनप्लग्ड है, वैन पोर्ट अनप्लग्ड है, बात समझ आ रही है, आपको रिमेंबर होना है वैन पोर्ट अनप्लग्ड है जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो आप जान भी देख लेंगे वैन की पोर्ट के अंदर कुछ मूव लगा हुआ। ओके, एक काम हमने कर लेते हैं,
तो ये पहला काम जो आपने देखा कि मैंने थ्रू वेब पेज एक्सेस होल्डर को पकड़ लिया, मैं वहां पर उसके अंदर चला गया। नेक्स्ट हमने क्या करनी है कि आप इसका पासवर्ड तब्दील कर दिए। अभी इसका पासवर्ड क्या था? एडमिन एडमिन, तो हमने तो भी पता है एडमिन एडमिन, तो मुझे जाकर चेंज कर दीजिए सब कुछ और इलेक्ट्रिक वालों को मसला बन जाता है। तो इसी से निपटने के लिए व्हाट वी डू, वी शुड चेंज इट, क्योंकि आप अगर इसके अंदर जा चुके हुए हैं तो वी कैन चेंज इट। तो ये है आपका वायरलेस और आपने इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करना है। तो हम यहां पे आते हैं सिस्टम पेज में, टाइम सेटिंग्स है, पासवर्ड है, तो यहां पे आप इसको पासवर्ड दे सकते हैं। तो आपका ओनर यूजरनेम, आपका ओनर पासवर्ड, आपका न्यू यूजरनेम, आपका न्यू पासवर्ड, और भी इसको कंफर्म कर। मेक सेंस? नेटवर्क में जाकर इसको कौन सा आपने आईपी देना है, कौन सा आईपी एड्रेसिंग देनी है, वो आप इसको दे, और सिर्फ हर स्टेप के बाद आपने सेव करना है, हर स्टेप के बाद आपने सेव करना है। ओके, नेक्स्ट इज ये आपका बैंक का पार्ट हो गया। ओके, फिर उसके बाद आपने बैंक के बाद आपने इसकी डी वायरस में जाकर और इसकी या तो वायरलेस को डिसेबल कर दें, बस काम नहीं करेगा उसमें, अगर डिसेबल कर दी और अगर आप इनेबल कर दें तो आपका वायरलेस का रूटर काम करेगा। लेकिन आपने जो भी स्टेटस आईडी रखना है वो आप यहां पे रख दी। मिसाल के तौर पर कल भी हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल आप इसको रखते हैं सिस्को नैप, आप एक को आप सिस्को नैप रखा है, दूसरे को सिस्को अटेंडी कर, फिर आपने ये देखना है कि कौन से मोड पे इसमें काम करना है, किस मोड पे इसमें काम करना है। मोड से मुराद हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि इट कैन बी एग्जीक्यूटिंग ऑन 11 ए बी जी एन ए सी एक्स, क्योंकि ये इतना एडवांस मोड नहीं है, तो यहां पे सिर्फ आपको या तो बी जी मिल रहा है, आपको पता है कि जी स्टैंड जी गिव्स यू 11 मेगाबिट पर सेकंड एंड एन करेंगे तो उसमें अलग अलग होंगे, ओनली एम, ओनली ए सी, ओनली एक्स, ताकि आपको पता चले कि आपके तमाम यूजर जो है उनके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, उनके पास सबके पास एम का है, तो व्हाई वी शुड बी गिविंग सर्विस टू बी और ए, व्हाई नॉट वी शुड बी गिविंग द बेस्ट ऑफ दी डिवाइस। क्या हो रहा है? आपकी
this configuration is aapko yahan pe nazar aa raha hai the triple it is 2880 minutes okay aap 2880 ko 60 mein convert kar rahe hain ka hours to yahan se agar main usko yahan pe calculator le lu aur calculator se calculator se 2880 ko divide kar do 60 pe to it is around 48 hours next 2 days Yes,